जब कृष्णा कालिया के नाक नाक सर पर नृत्य कर रहे थे, लेकिन अभी तक नाग पत्नियां दूर से देख रही थी, लेकिन चुप बोल नहीं रहे। बोले क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? बोले एक तो भजन करता नहीं और हमको भजन करने नहीं देता। ऐसे जो पति है, रहना नहीं रहना बराबर है। इसलिए हम विधवा कर रह जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन विधवा कर रहेंगे लेकिन कम से कम भगवान का भक्त। लेकिन एक जीवन भले ही विधवा रहे, लेकिन अगर एक जीवन भगवान की भक्ति करना, अगले जीवन क्या होगा, ठाकुर ही पति रूप में मिल जाए। अगर ठाकुर जी की पति रूप में मिल गया, हमारा मंगल ही उद्धार हो गया। लेकिन ऐसे अगर पति जो प्रभु का भक्ति नहीं करता है, फिर हमको भक्ति करने पर हर समय टांग अड़ाता है, भैया ऐसे पति रहना नहीं रहना बराबर। अगर मर जाए तो मर जाए, कोई बात नहीं, हाँ विधवा रह जाए। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब मीरा भजन कर रही थी और उसका पूरा परिवार विरोध हो गया, कोई भी उनका अनुकूल नहीं, पति भी नहीं, देवर भी नहीं, जेठ भी नहीं, सास नहीं, ननद नहीं, पूरा राज्य के सब लोग विरोध हो गए। यहाँ तक भी कुत्ता भी बिजाने चाहिए। आप देखना कि जगत बड़ा आश्चर्य जगत है। अगर आप प्रभु का भजन कर भक्ति करना, तिलक लगाओ गले में कंठी पहन, बोलिए क्या है ये, क्या सब तिलक लगा लिया, इसे गला में क्या सब लकड़ी पहन लिया, इतने बड़े टीका की कोई जरूरत है हैं, और माला लेकर घूमते रहे। लेकिन शराब पिए कोई गंदा काम करना, देखना दुनिया कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। इसलिए जगत बड़ा विचित्र है, गड्ढे में डालने के लिए हैं, गड्ढे में डाल सकते हैं लेकिन निकाल वही नहीं सकती है। इसलिए जब सारा दुनिया उसको विरोध हो गई, इतने में उसने गोस्वामी तुलसीदास के पास में पत्र लिखा। बोले गोस्वामी जी बताओ अभी हमें क्या करनी चाहिए, हमारी पूरा के पूरा परिवार हमारी विरोध हो गए, कोई भी भजन में हमें मदद नहीं करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक पत्र लिख करके इनके पास में भेज दिए। तो जो दोहा था, बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही, तेजी कोटि वैरी समझ अद्य भी परम सनी। बोले जिनका प्रिय राम और सीता नहीं है, कह तेजी कोटि वैरी सम, कहते उनको करोड़ों शत्रु मान करके त्याग देना। तो उनने पूछे इसका कोई उदाहरण है, तो उन्होंने एक एक उदाहरण देकर फिर गोस्वामी तुलसीदास एक एक उदाहरण दे। बोले तेजत पिता प्रहलाद, कहते प्रहलाद ने क्या किया, अपना पिता को त्याग दे दिया। क्यों, पिताजी भक्ति विरोध है, भजन नहीं करने देते, इसलिए उन्होंने अपना पिता को त्याग दिया। और माता महतारी, इसलिए कहते श्री, कहते माता भरत, इसलिए कहते श्री अपना मैया हैं, कहते कई कई को उन्होंने त्याग दे दिया। जब भरत को पता चला मेरी माता ने की वजह से मेरे प्यारे भाई भाभी जंगल में भटक रहे हैं, कहाँ इतने कोमलांग मेरे प्रभु रे, इतने सीता जी के चरण, इतने कोमल सीता जी के चरण हैं, और अभी ये जंगल जंगल भटक रहे हैं मेरे प्रभु और हमारे इष्ट। अरे लक्ष्मण भैया भी जंगल जंगल में, अरे इनकी वजह से इसने भरम आ गए, भारत इतने बिगड़ गया। बोले तेरे सर को कलम मैं कर देता, लेकिन भैया राम नाराज हो जाएंगे, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी भर के लिए मैं तेरे पर कोई मैया नहीं बनूंगा। इसलिए आप रामायण देखे होंगे, हर समय भारत महारानी कैकेयी, महारानी के माँ कभी नहीं बोले। इसलिए जब रामचंद्र वनवास से वापस आए, एक दिन कई कई बड़ी रूपी हो, बोले राम बेटा मेरे लिए काम कर दोगे? बोले मैया बताओ क्या बात है, क्या बात है? बोले एक बार भरत को ये बोल दो, एक बार मेरे को माँ बोल दे, केवल एक बार माँ शब्द सुन करके ना मैं अपना प्राण त्याग देना चाहता, क्योंकि जो माँ शब्द है प्यारा शब्द है। इसलिए हर माता को अंदर में ये भावना रहती है, बेटा कहो मेरे को तुम्हारा माँ बोले। इसलिए कृष्ण का जब सबसे पहले मुंह बोला है ना, माँ शब्द ने किया। हाँ माँ बोलो तो देखना आपका मुंह खुल जाता है, मतलब क्या भैया जरूर किसे खिलाएंगे। इसलिए बच्चे को भूख लगे तो किसके पास में जाता है, बाप के पास में जाता है ना, माँ के पास जाता है, कौन खिलाती है, माँ खिलाती है। इसलिए माँ बोलने पर मुंह खुल जाती है। इसलिए माँ शब्द सुनने के लिए हर माताएं तरसती हैं, इसलिए कृष्णा
सबसे पहले माँ शब्द को लिखा। इसलिए सूरदास का बड़ा सुंदर एक भजन है, वो भजन मेरा ये नहीं है पहले माँ बोले उसके बाद मेरे बाप बोले उसके बाद मेरे भैया दाऊ भैया को भैया बोले, पहले शब्द में तो माँ शब्द निकला, बड़ा प्यारा शब्द है। इसलिए कहते एक बार मेरे को माँ बोल दे, एक बार मैं माँ सुन करके ना मैं अपना प्राण त्याग दे। इतने में भगवान राम ने भरत बोले, भरत मेरा एक आदेश पालन करोगे? भरत ने जिन्हें कहा प्रभु अभी तक आप कभी जिंदगी में मेरे को आदेश नहीं दिए, क्योंकि कहते तीन तरह का सेवक है, कहते एक उत्तम सेवक, एक मध्यम सेवक और एक कनिष्ठ सेवक। जो उत्तम सेवक है कहते बोलने से पहले उनकी इच्छाओं को जान करके जो अपना इच्छा को पूरी कर दे, कहते ये उत्तम सेवक है। मध्यम सेवक है जो आदेश देने पर बड़े जत्न पूर्वक आदेश को पालन करे, कहते कहते श्री कनिष्ठ कौन है, कनिष्ठ कौन है, आदेश देने पर हैं बड़ी हाँ खिंचातानी करके अगर गुरुदेव भेजते हैं बेटा वहाँ पर जाओ तो देख कर आओ क्या हो रहा है, बोले गुरुदेव वहाँ जाकर अगर देखे तो मिले नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वापस आना पड़ेगा, हाँ वापस आना पड़ेगा है। इसलिए गुरुदेव ने कहा बेटे को, गुरु शिष्य अंदर में सो रहे थे, बोले बेटा देख कर आओ लगता है बाहर क्या बारिश हो रही है, तब बोले गुरुदेव बारिश ही हो रही है, बोले तू गया नहीं करके तेरे कैसे पता चला बारिश हो रही है, बोले बाहर से बिल्ली आया ना भीगा हुआ हमने देखा। इसलिए आदेश तो पालना करता है लेकिन वो बड़े कठिनी से आदेश को पालना करता है, कहते अधम से वो कौन है, बोले आदेश देने पर भी जो पालना नहीं करता है इसलिए इसको कहते अधम। इसलिए गुरुदेव कहते थे से ब क, तीन शब्द है से ब क, कहते से को निकाल दो क्या रह जाएगा, ब मतलब बगुला से बगे है। इसलिए भरत जी ने कहा प्रभु अभी तक आप कभी जिंदगी में मेरे को आदेश नहीं दिए, आप आदेश देने से पहले ही आपकी भावना को मैं समझ करके आपकी सारी सेवा को कर देता था, जीवन में आप मेरे को पहला आदेश दे रहे हो। बोले प्रभु जी भैया आपका सारा आदेश तो मैं पालन करूंगा लेकिन एक आदेश नहीं कर पालन नहीं कर सकता। बोले क्या, बोले महारानी कैकेयी को कभी मैं मां नहीं बोल सकता, इसके सिवाय सारा आदेश पालन कर हैं, सब आदेश पालन कर। इसका यहाँ पर कहते हैं कहते हमारे ये किया भरत ने माता को त्याग दे दिया भरत ने, बोले बलि तेजत गुरु, बलि महाराज अपना गुरु को त्याग दे दिया हैं, बोले नियम है गुरु को कभी त्याग नहीं देनी चाहिए, गुरु त्याग देना सबसे बड़ा पाप बताया गया हैं, सबसे बड़ा पाप बताया गया गुरु जी को आदेश को उल्लंघन करना और गुरु जी को त्याग देना सबसे बड़ा पाप बताया गया। हाँ त्याग देने का विधि है लेकिन अगर कोई असत संप्रदाय में हो, गुरु जी कहीं अगर स्त्री संघ में कहीं फंस गए हैं और कोई वैष्णव लाइन को छोड़ करके अवैष्णव लाइन को कहीं पकड़ लिया, शास्त्र में बताया गया हम त्याग दे सकते हैं, अगर अपना स्वार्थ की वजह से, अपना स्वार्थ की वजह से गुरुदेव हमारा आदेश पालन नहीं किया, हम ये चाहते हैं गुरुदेव कहते नहीं तुम बेटा ये करो हैं, अपना स्वार्थ की वजह से अगर गुरु त्याग देते हैं तो सीधा नरक जाना पड़ेगा हैं, इसलिए नियम ये है। इसलिए लेकिन श्री बलि महाराज ने क्या किया, अपना गुरुदेव को त्याग दे दिया। बोले क्यों त्याग दिया, क्योंकि ठाकुर जी आए भिक्षा मांग रहे, ठाकुर जी भिक्षा मांगने के लिए आए और ऐसे गुरु जी कहते भगवान को मत दिया, भगवान कहते हे खबरदार सावधान जान तो ये कौन है, बोले पहले जो मोहिनी बन करके आया था ना और मोहिनी बन करके तुमको अमृत से वंचित कर दिया, वो मोहिनी ये अभी मोहन बन करके आया, खबरदार ऐसे दान को सर्वश्रेष्ठ दान नहीं मानते हैं जो कि मूल समेत सब कुछ दे दे, क्योंकि उसने देखा अगर ये ठाकुर जी को सब कुछ दे दे अगर गुरु जी के लिए क्या रहेगा, गुरु जी के लिए क्या रहेगा, इसलिए कहती है दान को श्रेष्ठ दान नहीं मानी जाती है, इसलिए खबरदार इनको दान नहीं देना, ये स्वयं कौन है, साक्षात भगवान विष्णु अभयम, भगवान विष्णु है। बोले गुरु जी दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू, कहते एक तो शेर, कहते एक तो देवी, फिर दूसरे शेर के ऊपर चढ़ करके आई
उसमें उसमें सुने में सुहागा, एक तो दान मांगने के लिए आए, लेकिन दान मांगने के लिए आए तो कौन आए? बोले ठाकुर जी आए, दुनिया उनकी, वो तो इच्छा करने पर सब कुछ ले सकते थे, लेकिन वो मेरे पास में विश्व ब्रह्मांड का माली और मेरे पास में दान लेने के लिए आए, ऐसे सौभाग्य किसको होगा? और आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो इनको दान मत दिया करो, मैं तो जरूर दान दूंगा इसको। मैं गुरु जी हूँ, मेरे आदेश नहीं पालन कर। बोले नहीं, गुरु किसको कहते हैं? कह गुरु उसको कहते हैं, कहते गुकार अंधकारत्वात् निरोधकः, जो अज्ञान को हटा करके जो दीप को आलोक प्रदान कर, उसको तो गुरु कहते हैं। और साक्षात भगवान सामने खड़े, ठाकुर जी सामने खड़े हुए हैं, कहते अखंड मंडल आकारम व्याप्त जेन चराचरम तत्पद दर्शितम जेन तस्मय श्री गुरुव नमः। गुरु जी का काम किया, जो कण कण में जो भगवान की व्याप्तता को जो तुम्हें दर्शन कराते, वो गुरु का काम है। और गुरु साक्षात साक्षात भगवान सामने खड़े हुए, आप घर भगवान को भी दान मत दिया करो। उनने गुरु जी को त्याग दे दिया, गुरु जी नाराज हो गए। बोले गुरु जी के आदेश पालन नहीं करते? बोले श्री भ्रष्ट हो जा। बोले अयम स्वीकार करता हूँ, लेकिन भगवान को दान दिया है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? भगवान को दान दिए, अगर गुरु जी की बात सुनते तो क्या होता? भगवान स्वयं आए, उनको भगवान को दान नहीं दे सकता। लेकिन त्याग करने का वजह से साक्षात ठाकुर जी इतने प्रसन्न, इतने संतुष्ट हुए, लास्ट में अपना श्री चरण उन्होंने भली महाराज को सर पर दिए। जो चरण को प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, जो चरण किसका? ब्रह्मा ब्रह्मा विकल यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। बोले बड़े बड़े देवता लोग, ब्रह्मा भी जिनकी चरण की नख की एक छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, कहते ऐसे जो चरण कमल जिसको शंकर जी की उपासना करती है, माँ लक्ष्मी तो दिन भर गोद में लेकर के बैठ रही, कभी छोड़ती नहीं वो चरण को। और गणेश जी जिन चरण को वंदना करते हैं, हैं? कहते ऐसे चरण भगवान ने क्या किया? बलि महाराज का सर पर उन्हें रख दिया। हे देवता लोग देख करके बोले श्री बलि महाराज की, जोर से बोलो, बोले श्री बलि महाराज की। इसलिए कहते श्री बलि महाराज ने गुरु को त्याग दिया, इसलिए ठाकुर जी एक दिन क्या बन गए? जिनकी घर की दरवान बन गए। उन्हें वर मांगे ना ठाकुर जी, जब बोले वर मांगो ठाकुर जी, जब मैं अंदर से जाऊं बाहर जाऊं ना आपका दर्शन करके ले जाऊं, जब मैं अंदर में प्रवेश करूं आपका दर्शन। भगवान अयम अस्त बोल दिए, ठाकुर जी दरबार बन गए, दरवाजा में ठाकुर जी बैठे हैं, दरवाजा में ठाकुर जी बैठ करके हर समय दर्शन देते हैं। और बलि महाराज के साथ में हर समय भगवत चर्चा, भक्तों की कथा में ठाकुर जी बलि महाराज सब बैठ करके हरि चर्चा भगवत चर्चा करते रहते हैं। इसलिए कहते भाई को त्याग देने नहीं चाहिए, लेकिन भाई को भी त्याग दिया। किसने त्याग दिया? अरे बोलो, विभीषण ने अपना भैया को त्याग दे दिया। किसको? रावण को त्याग दे दिया। जब उन्होंने बोले देखो भैया, हम कुलस्थ वंश के धरे हैं, हमारी कर्तव्य नहीं पराई स्त्रियों को उठा करके ले जाना, ये हमारी कर्तव्य नहीं, ये पाप है, पराई स्त्रियों के प्रति बुरी नजर डालना ये पाप बताया गया, आप इतने घोर पाप क्यों किया? और सीता को क्या माँ लक्ष्मी सा क्या जान, माँ सीता को लक्ष्मी के बाप में देखे गया। हे रावण को क्रोध आया, तुम मेरे को उपदेश देते, मारे लाश हस्त विभीषण लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरे और अपना मुकुट को चरण में रख करके प्रभु राम की शरण में आ गए। जब राम की शरण में आए, भगवान ने क्या किया? वहां पर सब लोग थे, सबसे प्रश्न किया, बोले बताओ इसको आश्रय देनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों कल सब युद्ध होने वाले, रावण के साथ में कल युद्ध होगा, और रावण का छोटा भाई वो आया, कल सबर युद्ध होगा, आज आया, बताओ क्या करनी चाहिए? वहां पर बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे हुए, सबके साथ बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हुए थे, कोई भी राजी नहीं हुए इसको शरण देने, कोई भी राजी नहीं हुए। बोले प्रभु एक तरह कैसे है आपका शत्रु, फिर कल सबर युद्ध होने वाले, और इनको छल कपट समझना बड़ा कठिन, पता नहीं ये शरण लेने के लेकर के शरण लेने के लिए आया, पता नहीं मन के अंदर में क्या चल रहा है,
ये क्यों शरण लेने के लिए अभी तक क्या कर रहा था, कल सबर जू तो आज रात को खबरदार इसको क्या करो, शरण मत दिया करो। इतने में विभीषण ने ये बताया, अगर मैं झूठ बोलता हूँ ना कलयुग में मैं ब्राह्मण रूप में जन्म ग्रहण करूंगा। लक्ष्मण बोले वाह, ब्राह्मण रूप में, ब्राह्मण मतलब क्या, जातियों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ धर्म है और तीन वर्ण ब्राह्मण की पूजा करते हैं, है? लक्ष्मण बोले वाह, कहते अगर झूठ बोलता हूँ कलयुग में ब्राह्मण रूप में जन्म लोगे, बोले सबके सर पर कटहल तोड़ कर खाओ, बढ़िया मग रहे। तब भगवान राम ने कहा सही कह रहा है, कि तो कलयुग में है ना, कलयुग में शुद्ध ब्राह्मण मिलना बड़ा कठिन है। ये श्लोक है, बोले राक्षसा कलिमाश्रित तो जायते ब्रह्म योनिषु, कहते कलयुग में शुद्ध ब्राह्मण मिलना बड़ा कठिन, जो ब्राह्मण भक्तन करते हैं भक्ति करते हैं ये तो बहुत सौभाग्यवान, फिर ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, फिर भगवान की भक्ति में आ जाता है तो सुन में सुहाग आए इनका। लेकिन जो प्रभु का भक्ति नहीं करते है ना, कहते जो राक्षस लोग सब कलयुग में ब्राह्मण बन कर क्या है, ये कौन कह रहे हैं, कहते ये प्रभु राम ये बात को कह रहे हैं, हैं? इसलिए बोले सही बता रहा है। तब उन्होंने बोले बताओ क्या करनी चाहिए, लेकिन केवल एक व्यक्ति उन्होंने बताए इनको आश्रय, कौन बोला, कौन बोले, हनुमान जी बोले प्रभु आप शरण, क्योंकि मैंने जब लंका में गया था केवल एक व्यक्ति का घर के सामने से आपका नाम लिखा दिया, देखा शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह इनके घर में देखा, तुलसी पौधा इनके दरबार में देखा, और तुलसी वृक्ष देख करके ही मैंने वहां पर उतरा था। फिर मेरे मन में शंका हो गई, भैया तो रावणपुरी हो ना हो मेरे कोई छड़ने के लिए है, ये कोई कपटता पूर्वक ये सब चीज तो दिखा नहीं रहा है। फिर मैं सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अंदर में गया और देखा इसके रोम रोम है श्री राम श्री राम श्री राम, इनके रोम रोम में आपका नाम जप कर रहा था। इसने ही हमें बताया माँ सीता की खबर इसने दिया प्रभु, जब उन्हें सबके सब मना कर रहे थे भगवान राम, भगवान बहुत बड़े प्रतिज्ञा भगवान राम लिया। भगवान राम क्या कहते हैं, बोले सकृत एव प्रवर्णा जस्तवम स्मितते जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। जैसे हम लोग व्रत रखते हैं ना, एकादशी व्रत रखते हो, जन्माष्टमी राम हम व्रत रखते हैं, ठाकुर भी व्रत रखते हैं। ठाकुर का क्या व्रत है, बोले एवं व्रतम मम, कहते मेरे ये व्रत है। बोले क्या, अगर कोई निष्कपट हृदय से एक बार बोले ठाकुर जी मैं तेरा हूँ और तू मेरे, बस निष्कपट हृदय से एक बार बोल दे, भगवान कहते सर्वदा अभयम तस्मै, उसको मैं अभय प्रदान करता हूँ, हैं? इसलिए मैं इसको अभय प्रदान करता हूँ, इसलिए कहती है भगवान की व्रत। भगवान राम कह रहे हैं मैं शरणागत व्यक्ति को कभी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। कहती है भगवान कह रही रावण, रावण के लिए मेरे को डर है, मैं तो चुटकी बजा तुझे खत्म कर दूंगा, जिनकी केवल एक इच्छा मात्र से ही कर जस्य प्रभा प्रभुवत जगदंड कोटि कोटि सु अशेष वसुधाद विरुद्ध विरणम, जिनकी एक इच्छा मात्र से ही अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में श्रेष्ठ स्थिति प्रलय हो जाती है, उसको मारने के लिए मैं तो चुटकी बजाती हूँ खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे शरण में जो आए हैं है, मैं कभी उसको त्याग नहीं दे सकता हूँ। इसलिए भगवान भक्त वत्सल है, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए बोले कोई चिंता मत कर, रावण के लिए मेरे को मारना कोई बड़ी बात नहीं, ये क्या कर लेगा है? ये क्या कर देगा, ये कोई हमारे बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन शरणागत को। इसलिए उस समय में रावण को बोले थे, बोले देखो जिस समय भगवान राम ने अभी उन्होंने रावण को मारी नहीं, रावण को नहीं मारे, केवल विभीषण शरण में आया, भगवान राम ने क्या किया, बैठा करके अभिषेक किया, राज तिलक लगा दिया, बोले आज से तू लंका में राजा बन गए। तब कह रहे हैं कि जिस समय भगवान जो राज तिलक लगा दिया ना, उसी समय में से ही रावण का जो सर पर मुकुट बस वो नीचे गिर गया। उस समय उसका सारा राजपद खत्म हो गया, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है, जो एक बार संकल्प कर ले वो संकल्प कभी झूठा नहीं होता है। उसी समय में उसकी सर से राज उतर गया था, केवल अनुष्ठान बाकी था, अनुष्ठान बाकी था, हैं? इसलिए कहते ना जिस समय भगवान उसको राज तिलक लगाए
वहाँ पर विभीषण बैठा, वहाँ पर विभीषण है, वहाँ पर की यदि वहाँ पर सुग्रीव है, सुग्रीव कहते प्रभु क्या कर रहे हो, जब आप अभी रावण को मारे ही नहीं, पहले उसको राज तिलक लगा दिया है। अगर 1% मानो रावण आपका शरण में आ गया, 1%, अभी तो नवीन पर 1% फिर क्या करोगे आप, पहले ही रावण को मारे नहीं राज तिलक लगा दिया, फिर क्या करोगे बोलो आप, तो अभी विभीषण का राज क्या कर दिया, लंका का राजा बना दिया, क्या करोगे बोले, अगर रावण शरण में आ जाएगा ना, मैं अपना अयोध्या दे दूँ, इसका हम अयोध्या बोले, अयोध्या तो भरत को देकर जाए, भरत अभी राजा बना हुआ, बोले भरत को क्या दोगे, बोले अपना वैकुंठ दे दूंगा, बोले सबको दे दूंगा, फिर आप क्या करोगे, आप कहाँ रहोगे, भगवान क्या कहते हैं, बोले मेरे लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, नारद हे नारद मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं, और उनके हृदय में और जहाँ मेरी हरि चर्चा मेरी कीर्तन होता है मैं वहीं रहता हूँ, हैं मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए यदि यहाँ पर हमारे से विभीषण ने क्या किया, अपना भाई को त्याग दे दिया, और कौन क्या बोले गोप को गोप पति तक, लेकिन गोपियों ने क्या किया, अपना पतियों को जब भगवान ने बंसुरी बजाई तो बंसी ध्वनि आ करके गोपियों की कान के हृदय में प्रवेश करते हुए अंदर में गई, और अंदर में जा करके उनके हृदय में कृष्ण का प्रति जो प्रेम था बस उसको लेकर के निकल गया। इतने में गोपियां जब घर से निकली, निकलते ही कुछ गोपियां तो घर से निकल गई, कुछ बोले नहीं, जोग माया ने उनको मदद की, लेकिन कुछ गोपियां निकल नहीं पाई, उसी समय में उनको पतियों ने उनको वहीं रोक लिया, बोले कहाँ जा रहे हो, अंधकार रात में कहाँ जा रहे हो, खबरदार घर से जाओगे ना टांग तोड़ देंगे सब, हैं घर में घुसने नहीं देंगे तो फिर टांग तोड़ देंगे, अगर तुम लोग घर से निकलोगे तो, हैं इसलिए घर से निकलोगे तो। लेकिन उसी समय में कुछ गोपियों को उनको पतियों ने उनको रोक दिया, उनको जाने नहीं दिया, लेकिन कहते भैया किसको जाने दिया किसको ना जाने नहीं दिया, बोले उनको उन्होंने जाने दिया जिनको पति को साथ में जिनका शारीरिक कोई संबंध नहीं था, हैं उनको जाने दिया, और जिनको शरीर को साथ में पति का संबंध था वो शरीर क्या हो गया, साधारण व्यक्ति का उपभोग हो गया, शरीर प्रति वो शरीर हो गया अपवित्र हो गया, वो अपवित्र शरीर में कभी भगवान इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको क्या किया, इन लोगों ने रोक दिया, इन लोगों ने रोक दिया, लेकिन रोक तो शरीर को दिया, आत्मा को थोड़ी रोक सकते हैं, इन लोगों ने आत्मा शरीर से पहुंच तो आत्मा शरीर में पहुंच दिया, इसलिए कहते गोप गोप पति त्यक्त्वा, उन लोगों ने गोपियों ने क्या किया, अपना भाई बंधु पतियों को त्याग दे करके कृष्ण के पास में गए, तो कृष्ण क्या बोले, बोले स्वागतम मे महाभागा, भगवान बोले तुम लोग जगत में सबसे सौभाग्यवान क्यों, मेरे लिए तुम लोग ने सब कुछ त्याग दिया है, सब त्याग देकर तुम लोग मेरे शरण में आए हो। इसलिए कहते यहाँ पर कहते श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ये दोहा को लेकर के भेज दिए हैं, बोले श्री कृष्ण शरणम दत्त, इन लोगों ने जब सब छोड़ करके प्रभु कृष्ण के शरण में आए, कहते इनको क्या हुआ, बोले जगमय मंगल हरि, इनके मंगल मंगल ही हुआ है, मंगल, इसलिए यहाँ पर नाग पत्नियां क्या सोच रही है, मर जाए तो अच्छा है, भजन करेंगे भक्ति करेंगे, लेकिन जब देखा क्या देखा, इसका सारे अभिमान चकनाचूर हो गया, मुंह से खून बोलने लग गई, और एकदम उसको एकदम मरने वाला भाव, मरने मरने, लेकिन उसने दूर से देखा, लेकिन इसने देखा सचमुच से मेरी पत्नियां जो कृष्ण की कथा सुनाया करती थी भगवान ही, सचमुच ही भगवान ही, 6 साल का बच्चा कितना होता है, छोटा सा बच्चा, और मेरे सर के ऊपर खड़े हुए लगता है विश्व ब्रह्मांड मेरे सर के ऊपर आ गई, सारा दुनिया हाँ विश्व ब्रह्मांड मेरे सर के ऊपर आ गई, सचमुच ही भगवान है। तो उन्होंने मन मन में शरणागत हो गया, शरणागत होने पर पत्नियों को पता चला हमारे पति अभी भक्त हो रहे हैं, वैष्णव हो गया, अभी मेरे पति भक्त हो गया, वैष्णव हो गया, सारे अभिमान जो था सारे अभिमान खत्म हो गया। अगर जो पति का पति भगवान की भजन करता है भक्ति करता है
फिर ऐसे पति रहनी चाहिए, ऐसे पति रहनी चाहिए। क्यों? फिर हम दोनों मिलकर के भगवान का भजन कर सकते, क्योंकि स्त्री को बताया अबला है, स्त्री को बताया अबला। जैसे एक लता देखना, वो जब तक किसी पेड़ की सहारा नहीं लेती है ना, वो कभी खड़ी नहीं हो सकती। कभी स्त्री जाति को बताया लता स्वरूपी है, लेकिन जैसे किसी जैसे कोई लता जैसे किसी पेड़ के आश्रय लेता है, कहते स्त्रियां भी कहते इसको हर समय इनको कभी बताया नहीं, कभी स्वतंत्र होने के लिए मना किया है, मना किया स्त्रियों को। कहते जब बचपन होते हैं किसके अधीन में रहते हैं लड़कियां? माँ बाप के अधीन। जब बड़ी हो जाती हैं किसके अधीन में रहती हैं? पति के अधीन। जब बूढ़ी हो जाती हैं किसके अधीन में? बच्चे के अधीन। कहते हर समय इनको अधीन रहनी चाहिए। शास्त्र बताया कभी स्त्रियों को स्वतंत्रता शास्त्र में मना किया है, स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। उदाहरण दिया है जैसे आटा को अगर गोद करके अगर घर में रख लोगे ना, क्या होगा? चूहा खा जाएगा। आटा को गोद करके अगर छत को ऊपर रख लो, कौन खा जाएगा? कौवा खा जाएगा, कौए खा जाएंगे हैं, उनको कौए खा जाएंगे। उदाहरण दिया स्त्री जाके ठीक वैसे ही है, कहीं भी जाए कोई दूसरे उनको खा जाएगा। इसलिए उनको क्या करनी चाहिए? हर समय में कभी अपना स्वतंत्रता को परित्याग दे करके हर समय आनुगत्य में रहनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जीवन नष्ट हो जाएगी। तुम्हारी जीवन तुम्हारी कौवा जैसे खा जाएगी, ऐसे ही हमें चूहा जैसे खा जाएगी, हमें ऐसे कोई खा जाएगी। इसलिए स्त्री जाति के लिए कभी भी शास्त्र में स्वतंत्रता नहीं बताया। जैसे हमारे हमारे सीता जी हैं, लक्ष्मण रेखा को पार कर गई। लक्ष्मण ने क्या बताया था? खबरदार रेखा को पार नहीं करना। लेकिन उसने क्या किया? लक्ष्मण रेखा को पार किया। पार किया तो क्या हुआ? रावण उठा कर ले गया, रावण उठा कर ले गया ना। इसलिए कहते हैं स्त्रियों को कभी भी अपना मर्यादा रेखा से बाहर मत जाओ। वहां पे एक रावण था, गली गली में रावण सब घूम रहे हैं, गली गली में रावण घूम रहे हैं, उठा कर ले जाएंगे हम। इसलिए कभी भी इनको स्वतंत्र रहने के लिए कभी शास्त्र नहीं बताया। स्त्रियों को भी कभी स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए, ये सब चीज को शिक्षा दिया है। इसलिए फिर भगवान उसका सर पर नृत्य की और उसको भावना बदल गया। फिर हम कल सुनेंगे उसकी भावना कैसे बदलेगी और क्यों इसकी भावना बदल गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।